क्या आपने कभी खाली लिफ्ट का फायदा उठाया है? हमेशा हमेशा हमेशा. इट्स सच अ थिंग नो, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेले लिफ्ट में हो तो. और वैसे भी आई थिंक इट्स क्यूट. मैंने अभी लॉकडाउन में काफी कुछ बनाना सीखा. 2 मिनट्स मैगी, बॉइल्ड अंडा. नहीं नहीं नहीं, मैंने राजमा चावल से शुरुआत की, उसके बाद मैं कढ़ी चावल पे गया, फिर मैंने चिकन बनाया. आई थिंक इट वाज क्वाइट थेरेप्यूटिक, क्योंकि 2-3 घंटे लग जाते थे उसमें और वो सारी नेगेटिविटी निकल जाती थी. और इंडिया में बहुत सारे शेफ्स जो हैं वो आदमी है. नॉट बीइंग सेक्सिस्ट, प्लीज मेरे को जज मत करना. विमेन स्नोर मोर देन मेन. कुछ विमेन है ऐसी जो करती है उनको पता नहीं है शायद. और कुंद्रा इन औरतों को जानता है. भी आपने अपने पार्टनर को टोका है कि यार व्हाई स्नोरिंग सो मच? मैं तो वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि मानती नहीं है. सेम ब्रो सेम. आई स्वेयर. सो वीडियोस हाई डेफिनेशन में ऑडियोस रिकॉर्ड कर करके रखा है मैंने, क्योंकि मानती नहीं, मैं क्या करूं. आपने किसी लड़की को बोल दिया और आपको लगा होगा यार कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया मैंने? हाँ, वो थोड़ा एजुकेटेड टाइप की थी, उसको वो टाइप के लड़के पसंद आ रहे थे जो बहुत किताबें पढ़ते हैं. मैं भी पढ़ता हूँ पर उसके टाइप की नहीं पढ़ता हूँ. 12 से सीखा होगा. तो वो कुछ बुक पढ़ रही थी तो मैंने गूगल करके देखा, अच्छा दैट ऑथर, ऑफ कोर्स आई लव दैट बुक, सो नाइस, वेल डन. या अच्छा हुआ उसने पूछा नहीं बाद में मुझसे कुछ. बट मैं ये छोटी मोटी चीजें, ये क्यूट चीजें. तो जब कंपेयर होता है तो कैसी फीलिंग आती है? सटल होता है, ऐसे इन योर फेस नहीं होता बिल्कुल, बट एक ऐसी कुछ बात हो गई होती है. ओ यू नो व्हेन That happened, पता है ना, when that happened with that person only. फिर कहीं ना कहीं बाद में रात को डिनर करते हुए या वापस आने के बाद एक एग्जाम्पल आ जाता है कि यू नो व्हेन आई हैड डन दैट विद दैट सो एंड सो पर्सन, सो उसने ये किया था यार, फिर उसी के साथ रहते हैं. मुझे बहुत मार पिटने वाली है. बहुत पिटेगी, बहुत पिटेगी, 22 साल. बहुत पिटूंगा. मतलब ये कैसे, इसने वही कहानी ऐसे घुमा के सुनाई होगी. बहुत पिटूंगा.